सोनिया गांधी के वफादारों में से एक हैं कमलनाथ, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिनमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि देश में आग लगा दो। से हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर, काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर लिया, प्लान कर लिया, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है, आग लगाओ। कमलनाथ गांधी परिवार के सबसे फरमाबरदार और वफादार ऐसे ही नहीं हो गए, उनके एक हाथ में पेट्रोल तो दूसरे हाथ में माचिस हमेशा रहता है और इधर आलाकमान का इशारा हुआ नहीं कि आग के शोले भड़क उठते हैं। देश के अंदर देश विरोधी कुछ भी हो, कमलनाथ कहीं न कहीं से उसका हिस्सा जरूर बन जाते हैं। कौन भूल सकता है इमरजेंसी को कि कैसे उन्होंने संजय गांधी के साथ अपनी भूमिका निभाई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का कत्लेआम हुआ। आरोप है कि सज्जन कुमार और कमलनाथ ने दंगे को भड़काया, लोगों को उकसाया और सिखों को मरवाया। उन पर कमलनाथ पर तो ये भी आरोप है कि रकाबगंज गुरुद्वारे के पास उन्होंने घेराबंदी की, पूरे 2 घंटे खड़े रहे, संचालन किया था, यानी कि सिखों को मरवाने का आरोप कमलनाथ पर लगा और पुरजोर तरीके से लगा। पिछले सालों में जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब दंगा पीड़ितों ने कहा था कि आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जिन पर दंगे के दाग हैं, सिखों के कत्लेआम के दाग हैं। लेकिन कमलनाथ को स्वामी भक्ति का इनाम दिया गया और उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस 7 सालों से सत्ता से दूर है और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है, कहीं भी आग लगाने को तैयार है और कांग्रेस के नेता राजमाता और युवराज को खुश करने के लिए माचिस तो लिए ही खड़े हैं। क्या आपको अभी भी इसमें शक है कि कथित किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है? केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए कांग्रेस कथित किसान आंदोलन को हवा दे रही है। सोचिए, देश जब कोरोना संकट से जूझ रहा है तो कांग्रेस देश में आग लगाने के लिए क्या क्या गुल खिला रही है। कांग्रेस की आलाकमान और कांग्रेस के नेताओं को जरा सी शर्म नहीं आती कि जिस देश ने उन पर इतना भरोसा किया, सालों तक सत्ता सौंपी रही, वो लगातार उसी देश को सुलगाने और चलाने की फिराक में रहते हैं। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। जय हिंद।